डाल दिया ना, चलो मैं लीव कर रहा हूँ फिर। ठीक है। पीएस निकालना आता है ना तो? यस सर, आपने सिखाया यहाँ पे। चलो कोई भी चीज मार्केट में आती है उसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर रहती है। तो एसिड बेस्ड सॉल्ट जब मार्केट में है तो इनके पीछे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी छुपी हुई थी। तो अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो हम लेविस ब्रॉन्स्टेड और अलग अलग लोगों की कुछ थियरीज को पढ़ेंगे। पहले तो एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में, जो एसिड के बेस या एसिड और या बेस के बारे में जो भी इन्होंने बोला है, और ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। एक मिनट का वक्त दें हमें। हमें यार एक बात की बहुत खुशी है यार। क्या आवाज आवाज आ रही है?
यार मैं कल 10th में पढ़ रहा था ना, उनको पीएच में मतलब पीएच की बातें, आप कुछ भी बात बोलो, कुछ भी समझाओ, हाइड्रोजन रिलीज करो, एक भी मतलब बेस बनता है ना तो चीजें आ जाती हैं। मतलब 9th के बच्चों ने काफी कुछ करा है यार, तो अब अगर इतने आगे तक आ चुके हो ना कि आप बहुत बहुत ही चीजें सीख चुके हो, तो इसको यार इम्प्लीमेंट करके ही जाना अब, ठीक है? क्योंकि उनको कुछ नहीं आता। मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ, इसका भाई बहन हो सुना देना, उनको कुछ नहीं आता पी एच वी एच के नाम पे, मोल कॉन्सेप्ट के नाम पे, साइजोमेट्री के नाम पे, कुछ भी नहीं आता पुराना। तो अगर तुम इतना सीख के और आगे बढ़ के आए हो तो कोशिश करना कि अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं अब, और करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? अब मैं अगर मेरी बात को मुझे देख के हंसी आ रही हो, मेरी बात पे अगर तुमको हंसी आ रही हो, बेवकूफ है ऐसे ही बोल रहा है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सीट्स नहीं है सर, वैसे मत नहीं है तो बना लेंगे, रिपीट नहीं करते हम। अच्छा सर, आरेनियस थ्योरी, कोई बताएगा आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए सर। आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड ये है कि जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में डालेंगे तो H प्लस आयन रिलीज होंगे। अच्छा, और बेस को? द OH माइनस आयन। अच्छा, कितने H प्लस आयन रिलीज होते हैं कैसे पता चलता है? तो ये तो केमिकल कंपाउंड देख के पता चलता है सर कितने रिलीज होंगे। अच्छा, मान लो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है NH4Cl, फिर अमोनियम क्लोराइड में 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वाटर में, क्योंकि उसके पास 4 आयन है ना, NH4Cl 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और उसके साथ साथ NCl- बनाता जाएगा -4 का। ऐसा सही है सब, सबको लग रहा है सही है? नो सर, कुछ भी कर रहे हो मतलब, कुछ भी हाइड्रोजन थोड़ी होगा। NH4Cl इज अ साल्ट, दिस इज नॉट अ एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करने की कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करके ये आ चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद का ये प्रोडक्ट है। तो भाई साहब थोड़ा सा मतलब रटने रटाने की बात नहीं, बस एक बार समझो कि चल क्या रहा है। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी बात है अभी सही बोली है कि हाइड्रोजन आयन का रिलीज करना एसिडिक कहलाता है किसी सब्सटेंस का, या हाइड्रोजन आयन रिलीज करना ही किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, हाइड्रोक्सिल आयन का रिलीज करना किसी की बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और रिलीज कब करता है जब उसको वाटर सॉल्वेंट में डालते हैं। अच्छा, वाटर का क्या रोल है इधर, कोई बताएगा? क्योंकि जब होता है हम लोग उसे वाटर में डालेंगे तभी सर वो आयन, सर वो अपने आयोनिक प्रॉपर्टी शो करता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इफ ए सब्सटेंस रिलीज H plus ion in water, then it will be called as acidic substance and the property of releasing and the property of releasing hydrogen ion H plus ion will be due to acidicity. Acidicity.
According to the theory, if a substance releases plus ion in water, then it will be called as acidic substance, and the property of releasing S plus ion will be due to the acidicity. If substance will be having, देखो RNA theory तो इतनी ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे ज्यादा, लेकिन मैं तुमको थोड़ी बहुत बातें और बताता हूँ जो बार बार मैंने बताया है. If substance will fully ionized to produce H plus in full concentration, then it will be called as strong acid. अगर वही substance partial ionization होता है तो क्या होगा? Weak acid. Partial ionization होगा तो वो होगा weak acid. तुम लोग यार 11th 12th में क्या पढ़ोगे यार, मतलब तुम क्या क्या पढ़ोगे? मैं कभी कभी सोचता हूँ हम लोग है ना कॉलेज के बाद का पढ़ेंगे, फिर 12th का पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग तो रॉकेट साइंस पढ़ेंगे. अच्छा तब प्रैक्टिकल करोगे रॉकेट वाली? नहीं सर, तब हम मंगल पे कैसे रहना है वो सीखेंगे, तो सीधा एलोन में पहले रॉकेट साइंस सीख लेना. बढ़िया. तो पार्शियलाइजेशन होता है तो वीक एसिड कहलाता है. अच्छा अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी याद है तो हम कुछ बातें करेंगे और ऑब्वियसली पता चलेगा. अगर हमारे पास CH3COOH है और ये अगर आयनाइज होता है और यहाँ पर CH3COO- बनता है और H+ बनता है, ठीक है, अगर CH3COOH फुल्ली आयनाइज्ड हुआ, फुल्ली आयनाइज्ड, आई रिपीट, फुल्ली आयनाइज्ड अगर हुआ और इसके पास कंसंट्रेशन 5m का अवेलेबल है, तो CH3CO- और H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 5m. अगर पूरा पूरा आयनाइजेशन हो रहा है, अगर दूर पूरा पूरा आयनाइजेशन हो रहा है, तो दोनों में जो सब्सटेंस बनेंगे उनके भी मोल्स सिमिलर होंगे और कंसेंट्रेशन सिमिलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ही सोल्यूशन के अंदर होगा. और अगर मोल सेम है तो उसके पास कंसेंट्रेशन भी सिमिलर होगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर अगर आपने इसका मोल लिया और इसका मोल लिया, अगर सबके मोल सिमिलर आ गए, अगर ये 5AB था, अगर इसने 5A दे दिया और 5B दे दिया, इसका मतलब इसके भी मोल और इसके भी मोल, तीनों के मोल की काउंटिंग सिमिलर है, पर वॉल्यूम तो सबके पास सेम ही होता है सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियस ही बात है कि कंसंट्रेशन भी सिमिलर होगा. तो अगर 5M का कंसंट्रेशन है तो CH3COOH भी 5M आएगा और H+ भी 5M आएगा. कोई दिक्कत? नो सर. हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होनी चाहिए. नहीं है सर. मान लो हमारे पास CH3COOH का कंसेंट्रेशन 5m था और इसने ब्रेक किया खुद को और ये डिकम और ये टूट करके CH3COO- और H+ में टूटा है, और राइट साइड में मैंने अगर ये बता दिया है पहले ही कि केवल इसका हाफ ऑफ द पार्ट डिकम्पोज हो रहा है, CH3COH हाफ ऑफ द पार्ट डिकम्पोज हो रहा है, तो रुद्रांत शर्मा कैन यू टेल हाउ मेनी CH3CO- विल फॉर्म? How much? Sir, 2.5. बेटा हवा में नहीं, अगर हो रहा है तभी 2.5. अगर 5/2 डिकम्पोज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि 5/2 इधर बनेगा और 5/2 इधर बनेगा, और 5/2 बनेगा तो 5/2 की वैल्यू 2.5 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटी रटाई बात नहीं. चलो अगर आप रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को चेक करोगे तो इस रिएक्शन में भी CH3COOH और CH3CO- दिया और H+ बना है, इस रिएक्शन में भी CH3COOH ने CH3CO- दिया और H+ बना है, चीजें दोनों में सिमिलर प्रोड्यूस हुई है, रिएक्शन सिमिलर तरीके से दिख रही है, दोनों में डिकम्पोजिशन हुआ है, दोनों ही एक तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक में हाइड्रोजन की मात्रा कम है, एक में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, आप रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को देख के नहीं बता सकते हैं जब तक आपको पता नहीं हो कि कितना कंसेंट्रेशन किसका रिलीज हुआ है. तो कभी भी ये मत कह देना कि अगर कोई चीज डिकम्पोज होती है और अगर वो डिकम्पोज हो रही है और अगर फुल्ली आयनाइजेशन दिया है
तभी कंसंट्रेशन सिमिलर होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, नहीं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है। अब यहां पर 5/2 मतलब अगर आधा आयनाइजेशन हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 2.5 m of the CH3CO- बनेगा और 2.5 m of the H+ बनेगा। अच्छा क्यों बनेगा? क्योंकि अगर इसके 5 मोल्स थे उसी वॉल्यूम के अंदर, मान लो 1 लीटर का वॉल्यूम था उस सॉल्यूशन में CH3COH का, पर इसके 5 मोल थे और आधे डिकम्पोज हो गए, मतलब कितने डिकम्पोज हो गए? 2.5। अगर 2.5 डिकम्पोज हो गए इसका मतलब 2.5 मोल इसके बने और 2.5 मोल इसके बने। मोलल वाले तो फॉर्मूले बताए हैं पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, गैलोसैक्स लॉ बताया है, एवोगैड्रो लॉ बताया है, बहुत अलग अलग बातें करी हैं वहां पर हमने, देख देख के बताया था कैसे CO2 निकलता है तो कितने मोल बनते हैं, क्या बनता है, कैसा बनता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी और कुछ बच्चों ने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करे थे, तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो 2.5 एम राइट साइड में बनेगा, इसमें तो कोई समस्या अभी तक तो नहीं है ना? नहीं है? देखो कवर करता चल रहा हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड फिर भी, और अगर थियरी जाननी है तो सीधे आरएनएस को पहले ही बताया मैंने कि एस प्लस निकलेगा तो वो हाइड एसिड और OH- निकलेगा तो वो बेसिक कहलाएगा। लेकिन ये बात याद रखना दिमाग में कि यहाँ पर कैसे इस कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझते हैं इसके बारे में, जो बेसिक नॉलेज है इसकी। अच्छा अगर यही HCl होता और HCl के पास अगर मैं बोलता कि इसके पास 15 m कंसंट्रेशन और ये ब्रेक कर जाता है H+ कंसंट्रेशन और Cl- कंसंट्रेशन में, तो क्या किसी को बताने में कोई समस्या होती कि H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू भी 15 m आएगी? कोई समस्या नहीं है ना? तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो फुल्ली डिकम्पोज होता है और वहां पर जो हमारे पास डिकम्पोजिशन के बाद हाइड्रोजन आयन निकलता है वो फुल्ली उतना ही कंसंट्रेशन उसके पास होता है जितना उसके पैरेंट जो भी रिएक्टेंट था उसके पास था, उतना ही उस प्रोडक्ट के पास भी होगा। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। पीएच वैल्यू निकालनी है हमें, अगर पीएच वैल्यू निकालनी है तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच वैल्यू निकालते वक्त या पीएच को कैलकुलेट करते वक्त कभी भी चिंता नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो भी कंसंट्रेशन हमारे एसिड का दिया है वही कंसंट्रेशन लेकर के सीधे पीएच निकाल देंगे। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कैसे करना होता है, ठीक है? जिन्होंने पढ़ लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों को आता भी होगा ऑब्वियसली, और जिनको नहीं आता उनके लिए वीडियो बन जाएगी तो वहां पर देख लेना, ठीक है? अच्छा किसका डिकम्पोजिशन होता है? एसिड का होता है, होता है, yes. चलो जो हमारा डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, आपके आपके पास अगर बुकलेट है 60 नंबर पेज खोलना, उस पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं बुकलेट में, 60 नंबर पेज पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है आर अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑल सब्सटेंस व्हिच गिव एच प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर are called acids and while those which ion is in water give OH minus ion are called the bases. समझ में आया इतना? Yes sir. ठीक है, उसके बाद तीन points दिए हैं। एक point पहला है, तीन point start वाले पढ़ना पहले दो। उसमें an acid or bases which dissolve in water splits into ion, this is known as the ionization, this is the first point. Second point is upon dilution the ion gets separated from each other, this is known as the dissociation of the ions. जो अगर हम dilution करते हैं उसका, तो जो आयन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से सेपरेट होने के प्रोसेस में एक dissociation क्रिएट करते हैं, या इस प्रोसेस को dissociation बोलते हैं। उसके बाद the fraction of the acid or bases which dissociate into ion is called its degree of dissociation and it denotes by alpha which can be calculated by following formula. यहाँ पर एक formula लिखा है, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो हमने कोई एक substance A B लिया है, अब इसने A बनाया plus और B बनाया minus, इसमें decompose अगर ये हुआ है A plus और B minus में, अब total molecule अगर 5 थे और decompose हुए अगर 3, तो यहाँ पर 3-3 आ गए, तो alpha की value कितनी आई? 3/5 जितने डिकम्पोज हुए डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज द अल्फा, एंड अल्फा इज आल्सो कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl कितना आएगा ये बताएगा सर? 1। बहुत कॉमन बात है बेटा, 15/15
चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो फुल्ली डिकम्पोज हो रहा है मतलब राइट साइड में बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसका पार्ट भी उतना ही आएगा जितना रिएक्टेंट है, इसलिए उसकी अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है वो होती है 1। इस बात को दिमाग में रखोगे हमेशा? जी सर। ये बात किस बात पे अल्फा डिपेंड करता है? अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, क्वेश्चन अगर मान लो आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब यहां पर चार पांच बातें दी गई हैं। पहला है मास, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है एसिडिक स्ट्रेंथ। सर चौथा, ऑप्शन 4 एसिडिक स्ट्रेंथ। उम्मीद यही थी कि आधे से ज्यादा बच्चे या फुल पूरे बच्चे चौथा ऑप्शन टिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ऐसी बात तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कभी भी डिकम्पोजिशन के लिए हर वक्त जब से हम मैटर पढ़ते आ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि टेम्परेचर हर वक्त काम आया है जब जब हमने किसी मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया है या किसी को ब्रेक किया है, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल रहा हो। तो कभी भी अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आप ब्रेकिंग पॉइंट या फिर आप लॉ ऑफ मास एक्शन कल किसी ने लगाया होगा तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की होगी, उस वक्त भी एक तरीके की राइट साइड में क्या हुआ था, ए प्लस ए और बी था, ए बी ने क्या दिया था, सी एंड डी दिया था और सी डी ए दिया था। यहां पर जितना सी डी बना था उतना के की वैल्यू ज्यादा थी, यहां पर सी और ये डी केवल सी और डी और लेफ्ट साइड में ए और बी था। तो यहां पर भी जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ब्रेकिंग ज्यादा आएगी, इसका मतलब के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये वाला कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। केमिस्ट्री में जितने कांस्टेंट होते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, एक कॉमन बात है, इसको याद रखना। और हर चैप्टर में एनिक इक्विलिब्रियम, और जब हमारा इक्विलिब्रियम आएगा एनिक कांस्टेंट आएगा और उसके बाद मैटर आएगा, तो हर चैप्टर में इसकी बात होती रहेगी अभी 11th 12th में भी। लेकिन फिर भी एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो कांस्टेंट होते हैं ना ज्यादातर कांस्टेंट, वो सारे टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत भैया? हर जगह सिंगल टाइप सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होता, मल्टी करेक्ट। चलो, तो डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन समझ में आया? Yes, sir. सबसे बड़ी बात है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन हमारा डिपेंड करेगा कि एसिडिक बिहेवियर कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है या वीक स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, कैसा हमारा वो सब्सटेंस का बिहेवियर है उस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। उसके बाद टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, the electric current is carried by movement of ion, greater the ionic mobility more will be the conductivity of the acid and base. Ionic mobility मतलब ज्यादा ions release होने या ज्यादा electron release होने की capability जिसमें होगी, जिस acid में ज्यादा electrons release होंगे या electrons ज्यादा behave करेंगे flow की condition में, उसमें ज्यादा acid में charge का flow आएगा। तो जो भी flow होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आयंस पे। ये पहले ही बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि पहली क्लास में हुआ था एसिड बेस, ये बातें बहुत बार हुई हैं फिलहाल। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, द एच प्लस डू नॉट एग्जिस्ट एज सच एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन विद मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड HCO प्लस आयंस नोन एज द हाइड्रोनियम आयन। एच प्लस ज्यादातर खुद पे डिपेंड नहीं करता या खुद पे एक एच प्लस के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ही एच प्लस टूटेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तुरंत हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ये भी मैंने बात कर दी थी स्टार्ट में ही जब हमने बताया था कि एसिड होता क्या है, ठीक है, तो उस वक्त भी इसके बारे में बात हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरहेनियस थ्योरी ऑफ द एसिड्स। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर।
अगर ये एसिड होगा तो एच प्लस में और सी एल माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पर एच प्लस और सी एल माइनस बनेगा। अगर ये बेस होगा NaOH तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और यहाँ पर OH माइनस आएगा, OH माइनस की वजह से पता चलेगा यह बेस है, और H प्लस की वजह से पता चलेगा ये एसिड है, और यहाँ पर वाटर होता ही है, तो यहाँ पर फिर से H प्लस जो होगा वो H2O से रिएक्शन करके H3O प्लस बना देगा, तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू? यस सर, यस सर, यस सर। चलो अब कुछ आरएनएस थ्योरी में लिमिटेशंस भी हैं, इनकी बात भी कर लेते हैं। आरएनएस ने बोला कि भाई साहब एक्वस सॉल्यूशन में जब आप कुछ पार्टिकुलर एसिड को डालोगे तो वो हाइड्रोजन आयन या फिर ओएच माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। दूसरी थ्योरी आने का रीजन क्या है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। अब मैं एक बार बता दूं, जैसे हमारे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है ये? नॉन मेटल का ऑक्साइड भाई साहब, एसिडिक एसिडिक होता है ना, क्या हाइड्रोजन है इसमें? नो सर, दिक्कत है ना, तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आप सल्फर डाइऑक्साइड डालोगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो वहीं पर आरएनएस थ्योरी पे ब्रेक लग जाता है। कभी भी अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड डालोगे तो वो अपने आयन्स में अगर डिवाइड हो भी रहा है तो सल्फर और ऑक्सीजन में टूटेगा, हाइड्रोजन मिलेगा नहीं। पहली बात तो गैस टूटेगी नहीं उसमें, लेकिन चलो अगर टूट भी रही है तो वो हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो आरएनएस थ्योरी वहीं पे फेल हो जाती है और हमें एसिड के बारे में पता नहीं चल पाता। तो अगर लिमिटेशंस में लिखूं तो सबसे बड़ी बात तो लिमिटेड यही है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? नो सर। लिमिटेशन के अंदर अगर आप पॉइंट देखो तो उसमें लिखा भी हो, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन फॉर द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन। ओके, द सेकंड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जहां पर पोलैरिटी नहीं है या फिर वो नॉन एक्वस है, तो ऐसी कंडीशन में वो सब्सटेंस की एसिडिक क्वालिटी को शो नहीं कर पाएगा, या उनकी थियरी एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलो, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स लाइक NH3 N2 Na2CO3 etc व्हिच डू नॉट हैव OH- इन देयर मॉलिक्यूल टू फर्निस द OH- आयन। अब इन्होंने बोला भाई OH- आयन निकलेगा तो वो एक बेस कहलाएगा, लेकिन अब क्या अमोनिया में NH क्या OH- आयन निकलता है? No, sir. अभी क्या किसी ने सोचा है कि Na2CO3 क्या बेसिक है या एसिडिक है? Na2CO3 is basic or acidic? Can any man? Basic हुआ क्योंकि तो Na आ गया। Basic हुआ। Basic हुआ क्योंकि सर Na आ गया। अभी भी मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक या एसिडिक? Na आ गया ऐसे बेसिक। Na मेटल है। गुड बेटा, एनी वन एल्स? न्यूट्रल। शिवांश गुप्ता, अदिति शर्मा, श्रेयस कुमार, बेटा प्लीज ऑन योर वीडियो प्लीज, अदरवाइज लीव द क्लास। सर सही है मेरे जवाब? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। बेस होगा बोलते। और कोई? चलो, हमने बोला था जब हमने पहली बात तो ये समझो भैया कि ये सॉल्ट है। पहली बात, ये एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस सॉल्ट को चेक करना है एसिडिक है या बेसिक है तो क्या करोगे? अरे यार, पहले तो सर तोड़कर OH-। अरे यार, तुम तो गजब आदमी हो यार, इसमें H plus OH minus कहां से निकलेगा बताओ? हाँ, वो तो करेंगे डिकम्पोजिशन से। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया क्लास में,
बेटा बारिश हो रही है, आधे बच्चे सो रहे हैं घर पे, खूब बारिश हो रही है ग्वालियर में इस बार, धीरे धीरे ये चीजें, एक बूंद नहीं गिरी मैं तो हुई है। बताओ किसी ने, किसी को याद है ये कॉन्सेप्ट की नहीं याद है? खत्म हो गए सर, शायद बेसिक साल पे सर, जो सर अगर मेटल कार्बोनेट या, अरे रुको यार तुम रहने दो भैया, हेलो ये Na प्लस और CO3 माइनस माइनस में टूटेगा, यस सर। अब जैसे Na प्लस ये थी माइनस माइनस में टूटे, इसको तुरंत वाटर डालो, मैंने बोला। अब अगर वाटर डालोगे, अगर आपको कभी चेक करना है तो आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, जैसे करवाओगे ये NaOH बना देगा और H2CO3 बना देगा। अगर NaOH बनाएगा और H2CO3 बनाएगा तो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस। यस सर, मिल गई बात? यस सर, ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, कभी भी अगर आप इसको पीएच स्केल पे थोड़ा सा अगर फिजिकली समझने की कोशिश करोगे, वैसे ऐसा मतलब मत समझना यार ऐसे एकदम एग्जैक्टली ऐसे फिजिकली ड्रॉ करके मत किया करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीजें सही नहीं होती। बस एक तरीके से मैंने आइडिया बताया। अब एस टू सी ओ थ्री कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर वीक एसिड है, और हमारा जो NaOH है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। जब ये एक दूसरे के बीच में मिलेंगे और एक दूसरे को अगर ये मिलते हुए नजर आएंगे तो कहीं बीच की दूरी पे मिलेंगे, बीच की दूरी पे मिलेंगे तो वो बीच की दूरी कहाँ आएगी? बेसिक पॉइंट पे आएगी। बेसिक कोई समस्या है? नो सर, नो। देखो अब अगर मैं बोल दूं कि भैया NH4Cl एसिडिक है कि बेसिक है तो आधे बच्चे बता देंगे, तुरंत बता देंगे सर एसिडिक। बेटा पहेली नहीं बुझनी है यार, सॉल्ट है। अरे सॉल्ट है ठीक है, लेकिन एसिडिक है या बेसिक है? हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हो रहा, मैंने इसीलिए बताया आपको, क्योंकि आप हमेशा जिंदगी भर आरएनएस की थियरी को नहीं पढ़ के चल सकते। आदित्य अग्रवाल एसिडिक है, एसिडिक है सर। क्यों सर? एचसीएल बनेगा, एचसीएल बन जाएगा सर, NH4OH प्लस एचसीएल, तो एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कॉम्बिनेशन। तो एक बनेगा एचसीएल और दूसरा बनेगा NH4OH, और एक वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आराम से इसको देख सकते हो, एसिडिक क्वालिटी शो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है भाई साहब, हाँ। तो इनकी जो थियरी थी वो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस को डिफाइन नहीं कर सकती थी जिनके पास हाइड्रोजन या OH आयन प्रोड्यूस होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक थियरी खत्म हो गई, लिमिटेशंस भी देख ली इस पे, हमने बातें भी कर ली, तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आरएनएस की थियरी के अंदर। हमारे सर ने केवल एक बात बोली थी जब मैंने पढ़ा था कि हाइड्रोजन डोनेट करे तो आरएनएस, OH डोनेट करे तो आरएनएस, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सर मैं एक बात पूछूं? बोलो सर। केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी कंप्लीट क्यों नहीं? कौन सी नहीं है बताओ? 10-15 थ्योरी करनी पड़ती है, हर जगह एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब यार इसीलिए तो सबको यूज, सब हर अब ऐसे ही तो जरूरत पड़ती है ना, अब इसे तो कुछ नया लाने की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, इसलिए तो बाकी लोगों को भी मौका मिलता है। बिल्कुल, एक नई थ्योरी को बनाना चाहिए जिसमें कि क्या फिजिक्स में सारी थ्योरी वैलिड है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे साथ वैलिड है? मैं बोलूं एक्सेप्शन क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अगर तुमने स्टोइकोमेट्री पढ़ ली, N1V1X1=N2V2X2, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, वहां पे तीन लॉ पढ़ोगे, 1000 FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, पूरी बुक खत्म हो जाएगी। इसी तरह बड़ी बड़ी मैकेनिक्स की किताबें आई है, उसके बाद भी लोगों को मैकेनिक्स नहीं आती, बहुत समस्या की बात है। तो हम तो नहीं सपोर्ट नहीं हुए उसके, तुम पता नहीं क्यों कर रहे हो सपोर्ट, क्योंकि फिजिक्स बड़ी अच्छी लगती है, अगर बता नहीं तो। सर तीन लॉ आपने बताए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, और उस तीन लॉ से कितने क्वेश्चन बनाए? 1 लाख, मिनिमम 1 लाख ना, तो बेवकूफ बनाया ना लोगों को, लॉ तीन ही बताए, इक्वेशन भी तीन ही बताई उसने, बताओ न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी, लेकिन केमिस्ट्री ने कम्प्लीट की है इतने थियरी। अब हमारा कम से कम कम्प्लीट तो है, हमने बता तो दिया कि आरएनएस थियरी और ये थियरी, चार थियरी लगाओ, एसिड बेस पता चला, उसके बाद कुछ बचेगा तो बताना,
लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है, उस पे कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन इनकी बुक में है, इनकी बुक में, और वैसे कितने करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इनकी बुक में 300 से 400 क्वेश्चन है तीन इक्वेशन पे। तुम बेवकूफ बन चुके हो ऑलरेडी, जो रन दो और तो ब्रेक में नॉन एनर्जियल फ्रेम आ जाता है वो तो पे और भी सर्च करना। क्या कह रहे हो, क्या ब्रेक में नॉन एनर्जियल फ्रेम भी आ जाता है, लॉस ऑफ मोशन विद इनर्शियल, नॉन एनर्जियल आ जाएगा, नॉन एनर्जियल फ्रेम पे बात करोगे फिर उल्टी सीधी बातें होंगी, फिर ग्रेविटेशन की बातें होंगी, वहां भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओगे, कहां कहां तुम लगाओगे, खत्म हो गए। करते रहे करते रहे, इतने क्वेश्चन हो गए खत्म हो गए, अब नहीं कर पाओगे यार। मतलब मैं तो मुझे छोड़ के खत्म कर दिया अपनी बुक, मुझे 10 क्वेश्चन बता दे, मेरे 10 क्वेश्चन हो जाने पेपर में, बात खत्म। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, तो करना क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोचता था कि मेरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन 10 अलग अलग तरह के नहीं, मेरे टाइम में मेंस एडवांस में 30-30 क्वेश्चन आते थे, बोला था 10-10 हो जाएंगे बात खत्म है, तो हमने मॉडर्न पढ़ ली थी, हमें नहीं आता भाई फिजिक्स नहीं आता, तो मैं क्यों जबरदस्ती उसमें दिमाग लगाऊं। क्या बायो में यार क्वेश्चन तो मतलब जो मैम बताती है ना वो क्वेश्चन तो तुम्हारे उसमें आईएसओ में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ सर बहुत सिंपल है, रटी नहीं जाती, मतलब अच्छे से पढ़ा देती है, रटी नहीं जाती इतना, वही सर तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन सर जब डीपी भी मिलती है ना तो सर अंदर तक रुक आप जाती है। हाँ सर, लेकिन मैम खुद ही पता है सर, आईजेएसओ इससे सिंपल आएगा जिससे डीपी भी मिल रही है। तुमने उनके रिसोर्सेज भी ढूंढ लिए हैं? नहीं सर, मैम सर मैम ही बोल रही थी, मेरे पास है तुम लोगों के यार, मैं आज आईजीएसओ के ग्रुप में तुम्हें शेयर कर दूंगा वो एलएन के मॉड्यूल को डाउनलोड करने, कर लेना मैं शेयर कर दूंगा। नहीं सर जितने हैं उतने ही इनफ हैं। फिर तो उसकी भी हैंड रिटन मांगेंगे। चलो तो ये तो हमारा आरएनएस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट था, देखो जो दूसरा कॉन्सेप्ट सामने वाला आ रहा है उसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई चीजें डिफाइन कर दी, मतलब कई चीजें और भी पता चल गई उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम काफी इज्जत करते हैं उनकी भी, मतलब लॉरियर जो ब्रांस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट है ना उसकी भी काफी वैल्यू है मार्केट में, इसलिए हम इसको पढ़ते बहुत हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे भी, तो हम इसको देखते हैं। अगर आप मॉड्यूल को खोल रहे हैं तो मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है एक बार आप प्लीज रीड करें, एक बार रीड करें। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई ब्रॉन्स्टेड, ए डेनिश केमिस्ट एंड लॉरी एंड इंग्लिश केमिस्ट इंडिपेंडेंट। जब मैंने क्लास सिक्स में स्टार्ट किया था नर्चर बैच को पढ़ाना, तो वो मुझसे पूछते थे सर केमिस्ट में, सर ये कौन केमिस्ट है, सर कौन साइंटिस्ट है, सर कौन केमिस्ट है, सर ये वाले साइंटिस्ट है केमिस्ट है। अब मुझे क्या पता यार, मैंने डिफिनीशन लिखाते वक्त कभी डिफिनेशन खुद पढ़ी थी, आती भी नहीं है, कभी नहीं आते। इसमें लिखा हुआ है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड, ए डेनिश केमिस्ट एंड लॉरी एंड इंग्लिश केमिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द 1923। तो ये लाइन तो छोड़ी दो। अकॉर्डिंग टू इट एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन या प्रोटोजेनी एंड सिमिलरली ए बेस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। एक बेस वो चीज होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, और एक एसिड वो चीज होती है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है। कोई दिक्कत? चलो तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर HCl है तो HCl क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है और Cl- यहां बनेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक है, पक्का? हाँ सर। चलो अगर मैं इसको अगर HCl को ब्रेक कर रहा हूं और ये वाटर के प्रेजेंट में लिया जा रहा है,
तो हो सकता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाए, क्या यार, हाइड्रोनियम आयन, तो वो बनाए हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस HCl माइनस HCl। बोलो नहीं, लॉजिकल बात है कि सर प्रोटॉन तो रिलीज ही नहीं हो सकता। वही सर, प्रोटॉन रिलीज ही नहीं, हां प्रोटॉन तो अंदर होता है ना बहुत, पर H प्लस में तो बस प्रोटॉन ही प्रोटॉन है सर, वो प्रोटॉन का उनका मतलब है प्लस का। अरे रुको यार, बोलने दो, हमें भी, हमें बोलना आता है। सुनो, जो एक हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन 1H1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है भाई साहब, होता है। H प्लस तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, अब बचा क्या, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बचा, न्यूट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एक हाइड्रोजन H प्लस को एक प्रोटॉन बोला गया है केमिस्ट्री में, ठीक है भैया, एक प्रोटॉन मतलब एक H प्लस आयन, H प्लस एक सबसे, एक हाइड्रोजन एक सबसे छोटी यूनिट है, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कंटेन करता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसके पास केवल और केवल एक प्रोटॉन बचेगा, और इसीलिए H प्लस को एक प्रोटॉन बोला गया है, वो नाम है उसके, किसी के न्यूक्लियस से निकाल के बाहर नहीं कर रहे हो, वो ऑलरेडी एक एटम है जो कि कहां है, जो कि अपने आप में एक क्या रखता है, क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को प्रोटॉन जैसा बना रखा है, हाँ अपने आप में टेंडेंसी क्रिएट कर रखी है उसने कि मैं एक प्रोटॉन हूं, मैं ही है प्रोटॉन, दिखावा कर रहा है प्रोटॉन होने का, वो चाहता है कि सब उसको संभाले। तो HCl है, इसने एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, HCO प्लस बना और Cl माइनस बना। अब यहाँ पर H2O जब इसके साथ आता है, रिएक्ट करता है, इसको बना, ये तो रिएक्शन सबको समझ आई गई होगी। अब इन्होंने एक बात और बोली है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो कहलाता क्या है, बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है वो क्या कहलाता है, एसिड। अब यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, H2O, H2O, तो वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, हाँ वो एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर इस वाले में एसिड कौन है, इस वाले में एसिड की तरह से कौन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन लिया है H3O ने, सोच रहे हो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन H+ से ले सकता है रिएक्शन को बैक साइड जाने के लिए, और हाइड्रोजन इसको H3O+ इसको एक हाइड्रोजन दे सकता है क्लोरीन को, और ये एक ले सकता है अपने रिएक्शन को बैक साइड भेजने के लिए, इसलिए ये वाला एक बेस की तरह से बिहेव करेगा, और ये वाला एसिड की तरह से बिहेव करेगा, ये वाला यहाँ पर एसिड की तरह से बिहेव करेगा, और ये इसका बेस की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, एज ए बेस रिएक्ट करेगा। वैसे तुमको सही से बताएं तो वाटर को कंसीडर नहीं करते हैं जनरली इसको, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल एटम है, लेकिन अगर मैं इस चीज को बनाना चाहूं तो इसलिए मैं बोल सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो वाटर में यहां पर H2O और HCO+ दोनों को मैं काट सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप एक मिनट के लिए इस बात को होल्ड रखें तो H+ ये देगा H2O से रिएक्शन करेगा, तो राइट साइड में बनेगा H3O+ और इसके साथ साथ बनेगा Cl-। अब इस एसिड ने, ये है एसिड पहली बात तो, ये है बेस यहां पर, ये है एसिड और ये है बेस, ठीक है। अच्छा, ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, ये बेस क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ले सकता है, और ये एसिड इसका इसलिए क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, और ये बेस क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर इस एसिड का जो ये वाला Cl- का पार्ट है वो कहलाता है इसका कंजुगेट बेस। हाँ सर, ये हमेशा वीक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पार्ट वीक होगा ये, ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक बात मैं बता रहा हूं, कल मैंने ये बात बोली थी, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पार्ट होता है वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसका रीजन शायद आपको नहीं बताया था, आपको मैं रीजन नहीं बता देता हूँ क्या होता है। अच्छा, होता यहां पे ये है ना, हम अपने घर से किसको निकालना चाहते हैं, क्या तुम्हें समझ में आता है, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव लोगों को नहीं, एक्चुअली ऐसे लोगों को जिनके, मैं क्लास से किसको निकालना चाहूंगा तुम्हारी, आई यूज़ क्लास से, जो अच्छा नहीं पढ़ रहा, अच्छे से कर नहीं पा रहे, जाने या ना जाने से क्लास की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब वो चला जाएगा तब भी क्लास स्टेबल रहेगी, मेरी बात दो मिनट के लिए सुन लो, उसके बाद जो भी करना हो कर लेना।
अगर मैं किसी को बाहर करूं और उसके जाने से क्लास पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको मैं सबसे ज्यादा बाहर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हाइड्रो सबसे पहले उसी को बाहर करूंगा मैं। अब अगर एच आई ने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है। इसमें एच सी एल जो है या एच बी आर जो है, एच आई जो है, इसमें ऊपर से नीचे तक आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है पहली बात ये समझो, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से बांध के रखा था, थोड़ी देर बाद अभी जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, बंधन टूटते जाएंगे और बंधन टूटने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे अलग होने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह भी है, अगर क्लोरीन के पास साइज, फ्लोरीन के पास साइज सबसे छोटा था तो सबसे छोटी जगह से उसने कभी जब बॉन्ड बनाया था तो यहां से बॉन्ड बनाने इसके लिए इजी था, ये वाला बॉन्ड बगल से बना था, एक एच था एक एफ था और यहां पर अच्छे से ये बन गया था बॉन्ड। थोड़ी देर बाद जब ये हाइड्रोजन का आकार सेम रहा और क्लोरीन का आकार बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का थोड़ा सा आकार बढ़ा, यहां पर हाइड्रोजन आकार ही और क्लोरीन और बढ़ गया है तो इसका फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन और ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन सेम आकार का और ये आयोडीन है। इसका मतलब है जब यहाँ पर बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो बॉन्ड यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे, बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे तो इनको तोड़ना आसान है, इनको तोड़ना आसान है मतलब एच आई में हाइड्रोजन का निकलना इजी है। अगर एच आई में हाइड्रोजन का निकलना इजी है तो एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा इन चारों में और एच एफ सबसे वीक एसिड कहलाएगा इन चारों में। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है ना? चलो वो लाइन ने बॉन्ड लेंथ, चलो उसके बाद जो बात हम करने जा रहे हैं कि कंजुगेट बेस क्यों वीक होता है, क्यों एसिड, क्यों उसका क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों वीक होता है, ये बात करते हैं। अब अगर एच आई है, एक बात ध्यान से समझो, एच आई है, इधर एच आई टूटा जा रहा है, ये एच प्लस बना रहा है और ये आई माइनस बना रहा है। ऊपर थोड़ी थोड़ी ऊपर और चलो तो यहाँ पर एच एफ टूटेगा और ये एच प्लस बनाएगा और ये एफ माइनस बनाएगा, ठीक है? दोनों बातों को थोड़ा एक बार ध्यान से समझो, एक स्ट्रीम अपर है और एक स्ट्रीम डाउनवर्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें और ये वीकेस्ट है इनमें। देखो क्या चल रहा है इधर। अब यहां पर एच आई जो है, एच आई को हाइड्रोजन आयन रिलीज करना बहुत आसान लगा, उसको क्लास से निकाल के फेंकना बहुत आसान था क्योंकि आयोडीन माइनस की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अभी भी आयोडीन जो है वो स्टेबल है, उसके पास साइज बड़ा है, इजिली वो अपने आप में एक वैलिड है। वैसे एक बात अगर मैं ध्यान से बताऊं ना तो ये उल्टा भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप समझो इस बात को, तो एच आई जो है अगर वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो आयोडीन बनाएगा और एच प्लस अगर डोनेट कर क्यों रहा है, क्योंकि इसके डोनेट करने के बाद आई माइनस को कोई, अगर ये इजिली डोनेट कर रहा है तो रुको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो 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 कोई बात नहीं, क्लास निकालने से वाली बात छोड़ देते हैं, अभी सेट नहीं हो रहा है तो हम नहीं बताते हैं वो बात। एक बात बताते तुमको, एच एफ ने जब हाइड्रोजन को रिलीज किया है तो यहां पर रिलीज करने के बाद फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन आयन निकला है, ठीक है? यहां पर आयोडीन के पास नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन आयन निकला। इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। यहां पर आयोडीन माइनस है, आई माइनस है और यहां पर एफ माइनस है। एफ माइनस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एफ माइनस ज्यादा स्टेबल है या आई माइनस ज्यादा स्टेबल है, बस इतना बता दो बस। फ्लोरीन माइनस ज्यादा स्टेबल है या आयोडीन माइनस ज्यादा स्टेबल है? दोनों ही स्टेबल सर, आयोडीन ज्यादा। रेडॉन से लेकर के अभी तक बताता आया हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर अगर या नेगेटिव चार्ज को रखने की क्षमता बढ़ती जाएगी तो आप इजीली कह सकते हो कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आयोडीन माइनस है और एफ माइनस है तो एफ माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और आई माइनस की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और एफ पर आसानी से नेगेटिव चार्ज लाई कर सकता है, आसानी से नेगेटिव चार्ज रखा जा सकता है। तो अगर F- ऑलरेडी स्टेबल है तो क्या वो हाइड्रोजन आयन लेना चाहेगा इजीली? नो सर।
हाइड्रोजन आयन की जरूरत तो आई माइनस को है जो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। अगर ये लीस्ट स्टेबल है, जल्दी से हाइड्रोजन को अटेन कर रहा है, मतलब खुद में एक वीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर ये स्ट्रांग है तो ये वीक है। वीक इसलिए है क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, हाइड्रोजन को लेने के लिए ये बहुत उतावला रहता है। यहां से एचएफ जब रिलीज करता है, एचएफ के पास रिलीज करना आसान नहीं होता, ये एक वीक एसिड कहलाता है, और इधर वाला एक स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए कहलाएगा क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में स्वतंत्र है, ये प्रोटॉन को लेना इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने आप में स्टेबल है। तो फ्लोरीन इसलिए अपोजिट वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है और यहाँ वाला कम स्टेबल होता है। आप इसको चाहो तो सीधे याद कर लो इस तरह से भी, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो, और नहीं तो एक बात समझना, अगर ये HCl है और ये रिलीज कर रहा है S प्लस माइनस और Cl माइनस बन रहा है, ये अगर एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस है और वो वीक है, अगर ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, अगर ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्या कुछ एक क्वेश्चन में लिखता हूँ और आपको बताना है, कुछ उसमें बातें आएंगी। उम्मीद करता हूँ कक्षा में उपस्थित हर बच्चे को इसका उत्तर पता होगा। अरे यार गलती हो गई यार इनसे, रुको 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 जरा रुको जरा, Cl माइनस Br माइनस और CO3 माइनस माइनस और CH3 COO माइनस, चलो इसका बताना है भाई। वहां तो सीधे पीएच देख के बताओगे, उधर क्या दिक्कत है, उसको तो पहले बताता आ रहा हूँ, वहां बड़े अच्छे से कुछ लोग लिख के तुरंत बताना चाहते रहे। ये बताओ इसका आंसर। आ गया Cl माइनस Cl माइनस Cl व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांग बेस। सीओएच क्या है यार, तुम पागल पागल हो क्या क्लास में यार, सी एच थ्री सी ओ माइनस जो चीज लिखी है उस पर बात करो, क्या CH3COH इधर उधर लटी लटाई बात नहीं करते बेटा। अब HCl इधर, इसका एसिड HCl होगा, इसका एसिड HBr होगा, इसका एसिड H2CO3 होता है और इसका एसिड CH3COOH होता है। इसमें अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो ऐसी कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी इसकी, मैं दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा HBr की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर HCl की होगी, फिर H2CO3 की होगी और फिर HCH3COOH की होगी। इस क्वेश्चन को करते वक्त देखो यार, ध्यान से देखो ऊपर यार, प्लीज यार, करते वक्त कुछ आपको करना नहीं है, इसका बस Br- लिखना है, Cl- लिखना है, CO3- लिखना है और CH3COO- लिखना है, आपको बस इसको क्रम को उल्टा कर देना है, बस आराम से पता चल जाएगा। इसका ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीकेस्ट बेस है इन सब में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका ये वीकेस्ट एसिड है। कोई दिक्कत? नो सर। सर बोलो। सर जो आपने एफ 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 सी एल और बी आर फिर आई आता है, सर बी आर कैसे होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सर सी एल होना चाहिए ना, सी एल के बाद आता है ना बी आर। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रेस्टार्ट।
फ्लोरीन पीछे ब्रोमीन है, ब्रोमीन आयोडीन बेटा अननेसेसरी डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं अपना डीबीबी सीट खोलना, सीट में पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर F9, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर F9, डीपीपी नहीं जो आपके पास ये है सीट, उस सीट के अंदर बोल रहा हूँ, आईजीएसओ लिखा है ऊपर, केमिस्ट्री लिखा हुआ है सर, खोल लिया, लिख लिया, खोल ली सर। क्वेश्चन नंबर F9, द कंजुगेट बेस ऑफ, अगर इसके लिए तुमने यार कोई गड़बड़ी कर दी ना यार गजब हो जाएगा सर, ऑप्शन ए सर, ए क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगा, हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बस जीरो फोर माइनस, बाकी सारे ऑप्शंस में हाइड्रोजन है तो बाकी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बाकी सारे में सिर्फ ए इसमें निकल रहा है तो बस ये लगा दो। एसिड का उल्टा बेस, एसिड की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन निकालना, तो हाइड्रोजन निकाल के उल्टे में जो आएगा उसको बोल देंगे वही उसका कंजुगेट बेस है, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। क्वेश्चन नंबर F11, F11 तो सर है ही नहीं सर, है 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 भाई है, गजब करते हो यार। अरे सर F5 तक ही है सर, मैं झूठ के बोलूंगा। अरे यार पेज नंबर 33 कौन सा खोले हो, पेज नंबर 33 सर, वो कहीं दूसरा चैप्टर, मुझे लगा एक्सरसाइज 1 वाला सब्जेक्ट है। अच्छा पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर F9, अरे F11 है, हिम्मत है सर, सर फ्लोरीन है इसका आंसर, होना तो फ्लोरीन चाहिए लेकिन है नहीं। अरे सबसे वीक एसिड कौन है इधर, सर बेस हैं, हो गया अरे एक CH4 बनेगा, एक NH3 बनेगा, एक H2O बनेगा, एक HF बनेगा, ठीक है तो सर जो क्वेश्चन है उसमें सर एक लग रहा है डी आएगा, फिर क्या आएगा सर, डी लग रहा है, ए लग रहा है सर, ए क्यों लग रहा है, CH3 हैं इसमें ए या डी होगा सर, भाई ना ए या डी लग रहा है, मुझे ए या बी लग रहा है, डी के अब मेरे चांसेस जा रहे हैं, तो मेरे को ए लग रहा है क्योंकि अगर डी हुआ तो HF बन रहा है, और फिर अगर HF बन रहा है तो वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फिर वो वीक कंजुगेट बेस निकालेगा, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोला, अरे वो वीक एसिड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो वीक एसिड NH3 और CH4 में कौन सा हुआ, CH4 है क्या सबसे वीक, रुको जरा यार, इन चारों में चेक करना है एसिडिक स्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है, बस सुनो यार सुनो, इनमें एसिडिक स्टेंस अगर आप देखोगे तो जो वाटर है पहली बात उसकी पीएच 7 लाई कर जाएगी, ठीक है, NH3 है हमारा वीक बेस होता है, इसकी 7 के थोड़ी ऊपर आएगी 8.34 के आसपास या 8.5 के आसपास आएगी इसकी NH3 की। अब बचा HF और CH4, देखो HF हो या CH4 हो बातें दोनों सिमिलर हैं, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, एक हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों रिलीज कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन वाले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा होती है,
और ये एक तरीके का एक मेथेन जो होता है, ये एसिड तो नहीं होता लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर सकता है, लेकिन HF जो हमारा है वो बहुत वीक एसिड होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की और ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाता। तो देखो डी ऑप्शन, अगर देखो मेरे को एग्जैक्ट पीएच अभी पता नहीं तो मैं इसमें ए और डी में मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि CH4 जल्दी डोनेट करना चाहिए हाइड्रोजन भाई। तो सर क्योंकि CH4 में कार्बन जो है वो कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो वहां से हाइड्रोजन को निकालना ईजी है, जबकि HF में हाइड्रोजन को निकालना ईजी नहीं है। और CH3 जब हाइड्रोजन निकालता है तो एक ये बोलते हैं CH3+, यह है मेथिल कैटायन, और मेथिल कैटायन का जो स्टेबल वर्जन होता है वो काफी स्टेबल होता है, तो मे बी ये हाइड्रोजन जो होगा वो इजीली रिलीज हो जाएगा, तो ये होना चाहिए, सॉरी CH3- बनेगा ये जब SPS रिलीज करेगा। तो ये है मेथिल एनायन, और अगर ये हाइड्रोजन, हाँ ये मेथिल एनायन है और ये हमारा F- बनाएगा, और F- और CH3- में वैसे CH3- का ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए क्योंकि ये ये होगा ज्यादा एसिडिक और ये होगा कम एसिडिक, और अगर ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा तो कंजुगेट बेस ज्यादा मतलब कंजुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब अगर वो वीक एसिड है तो वो वीक CH4 वीक एसिड होना चाहिए। नहीं मेरे अकॉर्डिंग HF होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, बट आई क्लियर इट आफ्टर ऑल, मैं एक बार एक इसको चेक करूंगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग CH4 होना चाहिए, कार्बन रिलीज करेगा हाइड्रोजन को इजीली, वो कार्बन होता है आंसर। हम लोग फ्लोरीन होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है? हां सर ऐसे ही बताओ ना कैसे देखते हैं। क्या 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 सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे पता लगाएंगे क्या क्या स्ट्रांग है? स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस? बस स्टेबिलिटी देख सकते हैं हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद क्या मौसम बन रहा है या कैसे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर तो HF अगर है, अब HF में यार फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, हाइड्रोजन को रिलीज करना ही मुश्किल है। सर इसलिए ये वीक है। तो सर आपके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन छोड़ नहीं रहा तो वीक होगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मुझे लगता है कि फ्लोरीन होना चाहिए। सर कंफ्यूजिंग वाला है सर, आप एक बार सोच के बताना हमें। चलो मैं एक बार सोच के बताता हूँ, ठीक है? आप है ना कल क्लास में बताइए, कल बताइएगा आप 10 बजे कल क्लास जिसमें के बाद। चलो मैं बताता हूँ यार, क्वेश्चन नंबर F6 सर एसिड। क्वेश्चन नंबर F7 सर अभी एक चीज और बची है इस थ्योरी में, एसिड बेस, ये लॉरियो और ब्रांस्टेड की थ्योरी है, और इसमें आप अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। थोड़ा टाइम हो रहा है यार तो मेरे को निकलना भी है, जिम जाना है। देख लो लोहे का कल क्लास में मैंने बता दिया था, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन कल बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर, अरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यार जो क्लास नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर एक्सेप्ट करें, मैंने मुझे बताने की क्या जरूरत थी, मैंने तो कल कंजुगेट बेस बता ही दिया था तुमको। हां सर जब इलेक्ट्रॉन पेयर आ ही जाता, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले को बोलते हैं बेस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर। AlCl3 है ना,
AlCl3 जो होता है, अगर आप इसका अच्छा कोई AlCl3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाएगा सर, Al और उसके तीनों ओर सर Cl, सर Al पर तीनों की तरफ Cl ये सकता है, ये सकता है सर Al, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, जरा सोचो सर, कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट है यार, कैसे कंप्लीट है, Cl एक एक ले लेगा तो उसका हो जाएगा और एल्यूमिनियम, अरे भाई साहब, अरे नहीं करो ना, एक बार करो जरा, नहीं होगा सर, करो हाँ सर, नहीं होगा, नहीं हो रहा, खत्म हो गए, खत्म हो गए सर, एल्यूमिनियम के पास जो एल्यूमिनियम का तीन है, क्लोरीन के पास एक, दो एट थ्री होता है, आउटर मोस्ट सेल में तीन है तो एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी केवल तीन ही इलेक्ट्रॉन है। अब Cl जो है अगर आएगा भी एक इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, अब यार ये मत उम्मीद करना कि Cl आएगा दो दो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा खुश करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, उतना ही जरूर, जितना आप दोगे उतना ही सामने वाला भी देगा, तो एल्यूमिनियम को उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जितना एल्यूमिनियम खुद देने के लिए तैयार होगा, तो यहाँ पर दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पर AlCl3 बन जाएगा, और AlCl3 यहाँ बन जाएगा, मतलब बनाना तो बहुत बचपन से हम चाहते हैं, बार बार बोलते रहे एल ट्रिपल प्लस है तो सीएल माइनस अगर आएगा तो यहाँ पर AlCl3 बनेगा, बहुत पुरानी बात है ना, हमने बहुत पहले कंपाउंड बनाना सीखा था लेकिन कभी नहीं सोचा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और हमने बनाया क्यों था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, गलत कह रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, चलो ट्विस्ट जरूर आया है लेकिन गलत बात नहीं है, आप अगर ध्यान से मेरी बात को समझोगे तो मेरी बात समझ में आएगी, इसके पास 2, 8 और 3 का कंफिगरेशन है, ये क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और बहुत जरूरत थी तब इसी ने मदद की थी, और जब मदद की थी ना तो सामने से इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, और जब ये डोनेट करने गया तो भैया इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं थी, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl ने लिया, इसका ओवरऑल कंफिगरेशन 2, 8 पे जा पहुंचा, और इसका कंफिगरेशन 2, 8, 8, 2, 8, 8 और 2, 8, 8, क्योंकि तीनों को एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था, तो ये डोनर है भैया, तो यहाँ पर ऑक्टेट में कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के देखूं AlCl3 का और ये कोवेलेंट करेक्टर थोड़ा सा शो करे तो इसको एक लोन पेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि AlCl3 का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही आप बनाओगे, तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये और कोवेलेंट बॉन्ड की तरह अगर ये ट्रीट होगा तो इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, दो इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत होगी तो Cl इधर से आएगा, Cl इधर से आएगा, क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो केमिस्ट्री की बहुत नाजुक बात है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड अपने अंदर कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है या कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी भी रखता है, अब उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, रिपीट कर सकते हैं आपने क्या कहा, समझ नहीं आया जो आयनिक कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में उनके अंदर थोड़ी बहुत कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की भी कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो खुद को कोवेलेंट कंपाउंड की तरह से ट्रीट करने के लिए भी मतलब अपनी क्वालिटी शो करते हैं, एक रूल है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जिसको फजान्स रूल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दिया है एक रूल फजान रूल, फजान रूल के अकॉर्डिंग सारे आयनिक कंपाउंड की कोवेलेंट कंपाउंड की तरह से बिहेव करने की एक टेंडेंसी होती है, अब उसके लिए उन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का एक कुछ कलेक्शन बना के दिया है, उसके लिए अलग अलग रूल्स है, नहीं समझा नहीं सकता क्योंकि फजान रूल के तीन चार पॉइंट है वो बताऊंगा और अभी टाइम बीत जाएगा, लेकिन फिर भी इतना समझो कि AlCl3 में कोवेलेंट करेक्टर भी होता है जिसकी वजह से AlCl3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी तैयार रहता है, और बगल से Cl और बगल से Cl जब आता है तो उसके पास केवल 6 कंप्लीट हो पाता है, अगर 6 कंप्लीट हो पाता है इसको एक लोन पेयर की जरूरत रहती है कि आके कोई कोऑर्डिनेट कर दे, तो AlCl3 एक अच्छा खासा क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो एक लेविस बेस की तरह ट्रीट होगा, कोई दिक्कत नो सर, AlCl3 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहेंगे नहीं, एक्चुअली होता क्या है जब ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह से बिहेव करता है तो AlCl3 एक Al2Cl6 बनाता है, अपना डाइमर बनाता है, तो यहां पर इसको मिल जाता है, मैं दिखाता हूं बॉन्ड कैसे बनता है, ये बॉन्ड ऐसे बनता है कुछ, एक Cl इधर लगता है, एक Cl इधर लगता है और एक Cl इधर लगता है, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम बन जाता है, बगल में जब Al आता है तो उसका एक Cl इधर आता है और एक Cl इधर आता है और एक Cl इधर आता है, यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ये चाहे तो एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दे और इस वाले क्लोरीन के पास भी एक लोन पेयर अवेलेबल है तो यहां पर ये डोनेट कर दे,
तो ये Al2Cl6 के नाम से एक 3-centered 2-electron bond के नाम से कंपाउंड बनता है भाई, ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो प्लीज मत जाओ उस पर, मत घुसो, केमिकल बॉन्डिंग पूरी बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऐसे ही होता है। अब ज्यादा मैं हवाबाजी नहीं करना चाहता इसलिए नहीं बता रहा इसको, इतना समझ जाओ कि ये एक तरीके से लेविस एसिड की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर शो करते वक्त इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो एक डबल इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है, यानी कि एक लोन पेयर की जरूरत होती है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, अगर दो और मिल जाए कहीं से तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। लेकिन इस बॉन्डिंग में जो सामने आपको मैंने L2Cl6 की दिखाई है, इस बॉन्डिंग में आपको जो एटम दिख रहा है पूरा पूरा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, आप ध्यान से देखो कंप्लीट है दोनों एल्यूमिनियम का ऑक्टेट, है या नहीं? यस है, यस है। हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। सर डीपीपी में सर को जिम बजाना है, बॉडी बनानी है, मोलाल को नहीं, नहीं अब बात वही नहीं है, और भी बातें हैं, हम चलते हैं। आरएनएस थ्योरी और एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांसेड एंड लोरी, और हमारा ये लेविस कॉन्सेप्ट हो गया, तीनों हो गया। कल डीपी आपकी सॉल्व करवाऊंगा 12 बजे, सॉरी 2 बजे, कितने बजे क्लास है? 3 बजे, 10 से 2 है क्लास। सर हो सकता है बायो आपकी, सर आपकी पहले होगी जहां तक कल 10 से 2 है क्लास। डीपीपी वाले ज्यादा उछले नहीं, ठीक है? ओके सर। एसिड बी खत्म होने की कगार पे है, 3 चैप्टर खत्म हो चुका है आपका, मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है। अब बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह अपन बहुत अच्छे से करेंगे। खुशी से खाओ पियो, आराम से पढ़ो लिखो, मौज करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे फिर तो सर जो हम लोग रेडॉन वाले होंगे तो फिर क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी रेडॉन वाली। हाँ सर, हाँ मतलब देख लो अगर आप जैसा यार मतलब करना चाहते, देखो मैंने एक चीज देखी है अपनी जिंदगी में, मैं तो बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये, मैं बताते हैं। आज तक ना बहुत बार ऐसा मेरा मन हुआ जब मैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में था, तो बहुत बार मन हुआ कि यार इस 2 घंटे की क्लास में जाऊंगा यार, इससे बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, ठीक है मैं क्लास छोड़ दूँ। कई बार ऐसा हुआ और मैंने बहुत ज्यादा किया भी है काम अपनी जिंदगी में, कि मैं नहीं गया क्लास ये सोच के कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पता है कुछ 2 घंटे में ना दिक्कत तब आती है, मुश्किल तब आती है जब उस 2 घंटे के बाद क्या होता है, आपने अगर उस 2 घंटे को वेस्ट कर दिया कहीं या कहीं कम क्वेश्चन आए तो आप पूरे दिन खुश नहीं रह सकते कि आपने वो क्लास भी छोड़ दी और वो आप 2 घंटे भी बर्बाद चले गए। पर अगर आप जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप अभी नहीं तो तभी 2 घंटे मेंटेन कर लोगे। वो 2 घंटे अगर आप स्पेंड करके आओगे तो रात को आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, कभी थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जब आपके अंदर उत्साह होता है करने की एक चुल्ल मची होती है तो जरूर हो जाता है काम। और अगर आप नहीं करना चाहते या फिर आपको लगता है कि आपने कर लिया है तो थोड़ा बहुत आराम करने का मन होता है, क्योंकि बॉडी ऐसा वर्क करने का कल्चर बन चुका है यार। अगर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप कितने भी हीरो हो आपको लगता है कि 10 मिनट आराम कर लूं यार, 100 क्वेश्चन मार दिए हमने, समझ रहे हो? तो मूवी देखने का मन करता था। मैं वो देख रहा हूं सर लोकी। मणिज देखी सब लोगों ने? कौन बोला मनीष 18+ वाले देखेंगे? सर फिजिक्स वाले से, फिजिक्स वाले ने खुद नहीं देखी इसलिए बोल रहे हैं। सर वो बोल रहे थे 18+ है तुम लोग मत देखो, लड़ाई ना हो जाए आपका फिजिक्स वाले। सर ये लोग लड़ाई करवा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, देख लो अभी केमिस्ट्री वाले फिजिक्स हुआ था, अब मनी आई समझ से चल रहा। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ मनी हाइस वगैरह देखो यार, थोड़ा आईजीएसओ छोड़ो, थोड़े दिन मतलब मौज करो। अच्छा सर ठीक है, तो सर हम सिनेमा